बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से आपका भाई भी फिक्स फाटा खैरियत से है। तो यार अभी मैं जा रहा हूँ मगरिब की नमाज़ अदा करने, चलते हैं जाके मगरिब की नमाज़ अदा करते हैं और फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। यार चाचू अभी जो जा रहे हैं, अभी मुझसे ना हमारी मस्जिद का पूछे गए हैं, कहते हैं कोई गुमशुदा बच्चा मिला है। तो अभी मैं भी मस्जिद जा रहा हूँ, मस्जिद जाके देखते हैं कोई सीन हुए हैं। तो यार अभी आपके भाई ने मगरिब की नमाज़ अदा कर ली है मस्जिद में। वो अंकल गए थे बच्चे का पूछते हुए, एक आदमी से वो मस्जिद में पूछे थे बच्चे के बारे में। खैर उधर से जमात हो रही थी, मैंने उनके मामलात में नहीं दखल दी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ना पूछा, और मैं सीधा जमात में शामिल हो गया। अभी नमाज़ पढ़ के वापस जा रहा हूँ घर। गुड मॉर्निंग जी, अभी सुबह हो चुकी है। सुबह उठती सबसे पहले मैंने नमाज अदा की है, उसके बाद मैंने कोई अपनी पढ़ाई रहती थी वो कम्प्लीट की है। आज मेरा है पेपर कॉलेज में, पेपर देख के मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, 12 बजे के करीब घर वापस आ जाऊँगा। फिर मेरा प्लान है गढ़ामुड़ जाने का, और गढ़ामुड़ जाने का प्लान को 10% है, वो 10 से 100 भी हो सकता है और 10 से 0 भी हो सकता है, वो तो कॉलेज से आकर पता चलेगा। तो अभी बस तैयारी करूंगा कॉलेज की और मैं चला जाऊंगा कॉलेज। यार अभी ये शाम का टाइम और मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल है संडे और कल मेरे पास फ्री टाइम है, फुली फुल। थोड़ा मैंने आप लोगों को बताया था कि शायद मैं आज गढ़ा मोड़ जाऊँ। गढ़ा मोड़ जाने का 10% चांस है, जो कि 100% भी हो सकते हैं और 0% भी हो सकते हैं, लेकिन ये 10% से अब 100% हो गए हैं। अभी मेरी तैयारी चल रही है, जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करते हैं, फिर चलते हैं गढ़ा मोड़। गढ़ा मोड़ क्या सीन है आपको मैं वहाँ जाकर बताऊंगा, बहुत मजा आने वाला है। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो यार जल्दी से तैयारी करते हैं और निकलते हैं। यार अभी आपका भाई कपड़े चेंज करके निकल गया गढ़ा मोड़ के लिए, साथ मैंने अपर भी पहन लिया क्योंकि रात को भाई साहब सर्दी हो सकती है। अभी भाई साहब चलते हैं सीधा सीधा गढ़ा मोड़ एंजॉय करने। बड़ी ही मुश्किल से जी बस में लग गया, काफी देर खड़ा हूँ मैं यहाँ पे और अब आके बस आई है। शादी है इसलिए पूरा खानदान इकट्ठा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं पहुंच चुका हूँ गढ़ा मोड़। गढ़ा मोड़ में आया हूँ अपने कजन उस्मान के पास। यहाँ पे हमारे सीन कुछ ऐसे हैं कि अभी उस्मान को मैंने बारबेक्यू की कुछ चीज़ें बताई थी, वो उसने रेडी कर ली होंगी। अभी मैं उस्मान के घर जा रहा हूँ, फिर उस्मान और हम जाएंगे उस्मान के पोल्ट्री फार्म पे, जो कि गढ़ा मोड़ से थोड़ा सा ही बाहर है, ठीक है ना, देहाती सा एरिया है। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके भाई साहब आज रात पार्टी करेंगे, इन्जॉय करेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ उस्मान के घर की तरफ और जाके उस्मान को पिक करते हैं और फिर चलते हैं। आ गया मैं, आ गया मन लाभ रहा थी। अस्सलाम वालेकुम। तो यार मैं इस बंदे के पास आया हूँ, आज आज बड़ी पार्टी होने वाली है इसके साथ, मतलब मिलके करेंगे पार्टी, समझ रहे हो ना बात को। और सुना क्या हाल है सुमन, तबीयत ठीक है? वेट हो रहा है यार। आई लव यू टू, आई लव यू टू। दोबारा जफी पाला, दोबारा जफी पाला। चीजें तैयार ने सारियां? ओके। मसाला लग गया बोटियां नु? ओके। बस ठीक है, मैं निपटा देनी है सारियां, टेंशन नहीं लेना। 6 बोल ठीक है आज अपनी, ये भी रख दे, ये भी रख, रख 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 दे। 6 सिखा बहुत नहीं होते नाल, अपना चिकन रेडी है जिन्होंने मसाला लगा दिया गया है, तो लेके चलिए। यार अभी घी नहीं था तो दुकान पे जा रहे हैं घी लेने के लिए, क्योंकि चीज़ें हम पूरी कर रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पे हम लेके जाएंगे था सामान वहाँ शॉप नहीं है नज़दीक नज़दीक, तो इसलिए सारी चीज़ें हमें यहीं से लेके जानी पड़ेंगी। और कोई नज़र भी नहीं आ रहा दे रहा आगे, तो ये हम जा रहे हैं अभी शॉप पे घी लेके आते हैं, चीज़ें पूरी मुकम्मल लेके जानी है ताकि वहाँ जाकर हमें मसला ना हो। या इस कट्टू के अंदर हैं लकड़ियाँ जो हमने उधर जाके जलानी है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सुहान ने इनको ना छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे लकड़ियों के ताकि ईजिली जल जाएँ, या आप देख सकते हो। तो इनको लेके जाएंगे उधर फार्म पे और जाके जलाएंगे इनको। अभी ये सीखें भी ले लिए हैं और इसके अंदर चिकन भी है शॉपर के अंदर, और ये नीचे लकड़ियाँ हैं, और अभी बस हम जा रहे हैं फार्म पे। उन्हीं बाद शो फुल शुगल होने लगा, टेंशन नहीं लेनी तुझे, फुल शुगल। तो यार अभी फार्म पे पहुंच चुके हैं, अभी अंदर चलते हैं सेटअप करते हैं अपना। चल भी तो यार इधर फार्म पे हम पहुंच चुके हैं, अभी छत पे बनाएंगे सेटअप सारा बारबेक्यू का। तो ऊपर लड़का अच्छा जला रहा है, पता नहीं उसने जला लिया कि नहीं, बल्कि माचिस से अभी गई है। तो अभी यहाँ पे सेटअप होगा ऊपर, और लाइट भी कर। अल्लाह अकबर, कहते मेरा यमन कतीता ही ना हो जाए ध्यान देने। तो यार यहाँ पे अपना सेटअप होने लगा है, यहाँ पे कोयले बनेंगे और सीखें लगेंगी, और भाई साहब खाएंगे पेट बुझा, फिर काम दूजा, दूजा काम तो सानू है ही नहीं, तो पेट बुझा वाला काम है वैसे करेंगे जान दे, देख के हाथ तुझे करके। हाँ ये चीज़ हूँ उतने ना हल्के फुल्के लकड़ियाँ रख, वो छुट्टियाँ रख, छुट्टियाँ रख तक आगे भले पूरा वी आई पी सीन कर अल्लाह के बंदे।
आखिर असि अग जलाई लई बोझना जाए हूं लग गई अग वीर हूं लग गई है ना हूं नहीं रुकती यार सबसे मुश्किल काम था अग जलाना क्योंकि लकड़ी हमारी थोड़ी गिली थी तब हूं नहीं जानते कितने भी अग खा गया समान अब मुंडा जिंदाबाद मजा ही आ गया। तो यार अभी हमारा सेटअप तैयार होने लगा है, अभी गोश्त को लगाएंगे सीखों पे, फिर सीखे जाएंगे कोयलों पे, फिर हमारा गोश्त बन जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ चार जने हैं, तो ये सारा हमने चार जनों ने इसको ख़त्म करना है सारे गोश्त को। तो अभी इनको सीखों पे लगाते हैं, फिर कोयलों पे, और फिर भाई साहब इसको खाते हैं। चलो लेट्स गो यार, बनाओ यार भाई। हेलो यार, बोटी वड्डी नहीं? नहीं नहीं बोटी सही का कुछ नहीं था। तो यार अभी हमारे कोयले बन चुके हैं थोड़े से, तो उसके बाद हम रखते हैं सीख, इतने में दूसरे कोयले भी बन जाएंगे और फिर सारी सीख रख देंगे। तो अभी करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बस सब कुछ ठीक हो जाए, हमारा प्रोग्राम बढ़ ना जाए। किधर आ जाएगी को रख देते हैं साथ, देखेंगे ज़बरदस्त हो गया चिकन। यार हमारे चिकन देखो यार ब्राउन होने लग गया आहिस्ता आहिस्ता, कोयले भी हमारे बहुत ज़बरदस्त से बन चुके हैं। बस सही हमारा प्रोग्राम रहे और मसाला डल जाए। बोटियाँ ना टिक नहीं रही हैं, घूम जाती हैं बार बार। यार भाई आप लोग देख सकते हैं हमने एक सीख उतार लिया है और बहुत ही जूसी लग रही हैं ये। यार आप देखो बिल्कुल जूसी लग रही हैं, और ये हमारी दूसरी सीख तैयार हो रही हैं। ये सीखें तैयार होती है, इनको खाते हैं। पीछे हमारे पास एक सीख ये पड़ी है और थोड़ा सा चिकन पड़ा है। घी लगा रहा हूँ साथ के साथ ताकि अच्छे से गल जाए, कच्ची ना रह जाए कोई बोटी। घी लगा दिया और इनका पलट दूंगा, इनका जो जो घी लगा ना वो नीचे हो जाए कोयले में। चलो ये पलट दिए। यार ये देख सकते हैं हमारी सीख फुली रेडी हो चुकी है। जहाँ तक मेरे लिए थोड़ी सीख ना पकने देते, लास्ट वाली सीख थोड़ी सी कच्ची लग रही है मुझे, तो ऐसे करके थोड़ी सी पकने देते हैं फिर इसको उतार लेंगे। तो यार ये देखो सीख उतार रहा है उस्मान, अभी उतारी यार उतार जबरदस्त। मुझे पानी आने लग गया, पूरी ना अच्छी तरह गल चुकी हैं, चेक करो। यार देखो हमारी सिर्फ चार सीखें रह गई हैं और हमने इतना चिकन बना लिया है, तो हमारा इतना बारबेक्यू तैयार हो चुका है। अभी बस ये चार सीखें रह गई हैं, ये बन जाए फिर इनको खाते हैं आराम सुकून से। और कोल्ड ड्रिंक भी आ चुकी है हमारे पास, ये कोल्ड ड्रिंक है यहाँ पे, और भाई साहब फुल VIP सीन है यहाँ पे। ये उस्मान बैठा हुआ है, ये वो बकर है जो हमारी हेल्पिंग कर रहा है साथ। वेल डन। एक भाई हमारे साथ और है, वो नीचे नमाज पढ़ने गया है, वो भी आ जाता है। इंशाल्लाह चारों जने मिलके खाते हैं इनको। बड़ी मैं कहता हूँ VIP बनी है, ज़्यादा कोई ना प्रोग्राम बढ़ने वाला काम नहीं हुआ। तो यार अभी हमारा जो सिस्टम था वो डन हो चुका है, सारी बोटियाँ बन चुकी हैं। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं खा के यार कि सही भी बनी है कि नहीं बनी। इसको तोड़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्म भी हल्की हल्की, टूट तो बड़ी आसानी से गई हैं, इसको खा के देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार, यकीन करो मज़ा आ गया। साथ कोल्ड ड्रिंक भी है जी, फुल VIP सीन है। अभी जी मैं वीडियो बनवा रहा हूँ तो वहाँ बड़ी बेसब्री बैठी है, जल्दी से वीडियो बंद करते हैं इनको मुकाते हैं। तो यार अभी अपने भाइयों से रिव्यू लेते हैं कैसी बनी है। यार बोटियाँ छोटी हमने मुका दी हैं, थोड़ी सी बची हैं। तो ये सामान भाई कैसा टेस्ट था, मज़ा आया कि नहीं आया? हाँ बनाई है जो मैंने, रहता नहीं सी। अच्छा रहती थी चाशनी, वैसे गलियाँ सही सी। यार अभी थोड़ा सा चल रहे हैं छत पे ही ताकि खाया भी आ जाए मुझे, कभी ये ना रात को भाई साहब मैं खबर कर रहा हूँ मैंने घर जाना है, ओए कभी चढ़ी हुई बोटियाँ मुझे। समान भी यहाँ पे चल रहा है, तो भाई भी आ गया बुबक्कर। अब आ करें छत लंबी ना काफ़ी है, ठंड भी है बादशो, ठंड भी है, देखते हैं आगे कैसे ले जाऊँ। यार अभी हमारी चल रही है मूंगफली पार्टी,
तो मूंगफलियाँ खाते हैं और बातें शाते करते हैं। सर्दी आ जा भाई, बताइए चाचा यार आज बड़ा इंजॉय हो रहा है, यकीन करो मज़े हो रहे हैं आज, मज़े क्यों उस्मान? सही गल है, मज़े हो रहे हैं यार। अभी मैं उस्मान के फार्म से आ गया हूँ गाँव अपने घर। यहाँ पे कोई नए सीन हो रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे बनने जा रहा है पोल्ट्री फार्म, मतलब के मुर्गी खाना हमारा अपना। अल्हम्दुलिल्लाह से इसकी तैयारी शैरी हो रही है, आप देख सकते हो तैयारी शैरी स्टार्ट हो गई है इसका बनना, मतलब तामीर होना शुरू हो गया। तो देख सकते हो रेश खेत आ गई है, तो मतलब अब हमारा इंशाल्लाह से पोल्ट्री फार्म बनेगा। खैर इसके नक्शे वगैरह के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसे बनेगा क्या नक्शे होगा, बट इतना पता है कि पोल्ट्री फार्म स्टार्ट हो गया। इसके बारे में बड़े भाई हो गए, अब्बू हो गए, यही जानते हैं किस तरह से क्या मैनेजमेंट करनी है। मैं तो अब आया हूँ गाँव में, अपडेट मुझे व्हाट्सएप पे मेरी थी, जो हमारा घर का ग्रुप है वहीं पे आ रही थी कि भाई बन रहा है। बस इसकी ये तैयारी शैरियाँ स्टार्ट हैं। पहले यहाँ पे जानवर वाली जगह हुआ करती थी, उसको हमने दिया है तोड़, और अब यहाँ पे बन रहा है पोल्ट्री फार्म भाई साहब। पोल्ट्री फार्म मुर्गियाँ भाई साहब, मुर्गियाँ बिजनेस ही बिजनेस, बिजनेस बिजनेस, दिस इज़ बिजनेस।